प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, तो आज है टोराइड। सोलेनॉइड जो होता है एक स्प्रिंग जैसा होता है। अगर हम किसी कॉपर वायर को किसी सिलेंड्रिकल कॉर्ड बोर्ड या प्लास्टिकल सिलेंडर पर वाउंड करेंगे तो जो वो डिवाइस बनती है उसको कहते हैं सोलेनॉइड, यानी दैट इज स्प्रिंग लाइक डिवाइस, तो उसको कहते हैं सोलेनॉइड। जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं देन दिस सोलेनॉइड बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो टोराइड क्या है? इट इज ऑल्सो ए सोलेनॉइड। इफ वी बेंड ए सोलेनॉइड, से दिस इज ए सोलेनॉइड, इफ वी बेंड ए सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, जब हम एक सोलेनॉइड को किस शेप में बेंड करेंगे, सर्कुलर शेप में, यानी इसको सर्कल बनाएंगे। लंबा सा सोलेनॉइड अगर हमारे पास हो इसको बेंड करके एक सर्कुलर शेप बनाएंगे तो जो वो डिवाइस बनती है दैट डिवाइस इज कॉल्ड टोराइड। क्या है टोराइड? इफ ए सोलेनॉइड इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल एंड इट्स टू एंड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर देन द डिवाइस इज कॉल्ड टोराइड। यानी इस तरह ये सोलेनॉइड था, लंबा सा सोलेनॉइड था, अब इसको बेंड किया हमने तो इसके एंड दो एंड्स हमने मिलाए इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल देन द डिवाइस फॉर्मड इज कॉल्ड टोराइड। यानी अगर हमारा इस तरह सोलेनॉइड है स्प्रिंग जैसा, इसको बेंड करके सर्कुलर बनाएंगे तो ये बन जाता है टोराइड। तो ये एक सोलेनॉइड ही होता है जिसको सर्कुलर शेप में हम बेंड करते हैं तो जो डिवाइस बनती है दैट इज टोराइड। टुडेज आवर टॉपिक इज वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस टोराइड बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, तो हम सपोज करेंगे लेट्स कंसिडर ए टोराइड हैविंग एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जिस तरह हमने सोलेनॉइड में कहा था, हमने एक सोलेनॉइड वहां लिया था हैविंग एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो यहां पर भी हम कंसिडर करेंगे एक टोराइड हैविंग एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द टोराइड। तो इसमें करंट आई चल रहा है इस ऐसे हर एक इसमें टर्न में। ठीक है, तो हमने कहा इसमें कौन सा करंट चल रहा है, से करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस टोराइड। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ तो एम्पियर सर्किट लॉ हमें क्या कहता है? द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू जीरो दैट इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इन ए फ्री स्पेस टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। जब हमने एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था उस वक्त ये स्टेटमेंट भी हमने पढ़ा था। हाँ, तो क्या था उसका स्टेटमेंट? द करंट द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। तो उस वक्त जब हम उसको मैथमेटिकली लिखते थे, सो दिस इज द सिंबल फॉर क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। सो व्हाट इज इट स्टेटमेंट? द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी डॉट डी एल इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आई एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। ये इसका स्टेटमेंट है एम्पियर सर्किट लॉ। मगर अगर हम यहाँ देखेंगे, इफ वी सपोज करंट आई इज पासिंग थ्रू ईच टर्न, तो हम सपोज करते हैं हर एक टर्न में करंट आई चल रहा है। इसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, ये लॉन्ग कंडक्टर होता है, लॉन्ग सोलेनॉइड होता है, उसी को बेंड करके हम टोराइड बनाते हैं। इसमें बहुत सारी टर्न्स होते हैं जिस तरह आप देख रहे हैं इस स्प्रिंग में। अगर हम कहेंगे इसमें
हर एक टर्न में करंट आई चल रहा है, और हमने सपोज किया है इसमें कितने टर्न्स है, हमने सपोज किया है इट हैज़ एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो हम ज़रा यहाँ लिखेंगे। तो हम कहते हैं हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हम कह रहे हैं एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो फिर टोटल टर्न्स कितने होंगे इसमें, तो टोटल टर्न्स हम सपोज कर रहे हैं टोटल टर्न्स इन दिस टोराइड से दैट इज एन, ठीक है। देन एन इज इक्वल टू एन एल इफ एल इज द लेंथ ऑफ दिस टोराइड, मगर ये जो टोराइड है दिस इज सर्क्यूलर, तो इसकी लेंथ जो है दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड वी नो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr, विच इम्प्लाइज दैट एन इज देन इक्वल टू एन इंटू 2πr, ठीक है। तो एन का वैल्यू क्या है, एन एल होता था जो हमने सोलिनॉइड में भी इससे पहले पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस टोराइड आर एन दैट इज इक्वल टू एन एल, बट हियर एल इज द लेंथ ऑफ दिस टोराइड एंड दिस इज सर्क्यूलर, सो लेंथ ऑफ दिस टोराइड इज नथिंग बट द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, सो दैट इज 2n(2πr), ये हमारा एन का वैल्यू है। तो ये हमें कह रहा था एम्पियर सर्किट लॉ, बट हियर सपोज दैट इफ करंट आई पासिंग थ्रू ईच टर्न, हर एक टर्न में करंट आई चल रहा है, देयर फोर बट देयर आर एन टर्न्स, देयर फोर टोटल इफेक्टिव करंट क्या होगा इस पूरे टोराइड में क्या होगा, वी सपोज दैट करंट आई पासिंग थ्रू ईच टर्न बट देयर आर एन टर्न्स इन दिस कैपिटल एन टर्न्स, देयर आर एन टर्न्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर एन, देयर आर एन टर्न्स इन दिस टोराइड, देयर फोर टोटल इफेक्टिव करंट, इज देन एन आई। तो टोटल इफेक्टिव करंट कितना होगा, एन आई, क्योंकि हमने कहा कि हर एक टर्न में करंट आई चल रहा है, और कितने टर्न्स हमारे पास हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वी हैव सपोज दैट देयर आर एन टर्न्स, कैपिटल एन टर्न्स दैट इज एन एल, स्मॉल एन एल विच इज इक्वल टू एन टाइम्स 2πr, वायर एल इज द सर्कमफ्रेंस लेंथ दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस, सो टोटल इफेक्टिव करंट इज देन एन एल, देयर फोर अकॉर्डिंग टू according to Ampere's circuit law, what is Ampere's circuit law? The closed line integral of magnetic field is equal to mu times total current, total effective current, हम यहाँ कह सकते हैं total effective current passing through the conductor. So here total effective current passing through this toroid, that is Ni. This is our equation first. ठीक है, तो ये हमें एम्पियर सर्किट लॉ कह रहा है, द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, दैट इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इन ए फ्री स्पेस दैट इज डिनोटेड बाय म्यू नॉट म्यू जीरो टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, हियर द टोटल इफेक्टिव करंट इज एन आई, तो आई हम नहीं लिखेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे एन आई, सो दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नाउ वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस टोराइड बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, तो यहाँ आप देखिए एन का वैल्यू भी याद रखिए, एन इज कैपिटल एन इज इक्वल टू एन इंटू 2πr, तो हम यहाँ वो भी लिख सकते हैं, वो वैल्यू भी म्यू जीरो टाइम्स एन स्मॉल एन इंटू 2πr इंटू आई, ठीक है, वो भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, आगे चलते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस टोराइड यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ,
तो देखिए, अगर हम इस टोराइड को गौर से देखेंगे, हमने जब एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था, किसी भी पॉइंट पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए तो हम क्या करते थे, हम वहाँ पर एक सर्कुलर लूप बनाते थे। पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना हो तो एक सर्कुलर लूप बनाते थे, उस सर्कुलर लूप को कहते हैं एम्पेरियन लूप। तो इस एम्पेरियन लूप की मदद से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढते थे एट पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट पे। तो यहाँ अगर हम देखेंगे इस टोराइड में, देखिए यहाँ पर तीन पोर्शन से इसके, एक पोर्शन ये है, यानी एक ये स्पेस है, फ्री स्पेस इसको कहते हैं, या यहाँ कहेंगे दिस इज द सेंटर ऑफ दिस टोराइड, यानी इस छोटा जो सर्कल बनता है उसके अंदर जो स्पेस है, फ्री स्पेस। अगर आप रिंग एक लेंगे ना, सर्कुलर रिंग, तो देखेंगे एक अंदर से उसकी एक स्पेस बनती है, तो वो ये है, हो गया एक। इन एक हमें यहाँ देखना है, इस फ्री स्पेस में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलिए हम कहते हैं इस फ्री स्पेस में कहीं पर भी पॉइंट, जैसे यहाँ पर पॉइंट पी, तो इस पॉइंट पी का, पी पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। एक ये पॉइंट होगा, एक पॉइंट इस सर्कुलर, ये जो है सर्कुलर सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के आउटसाइड, आउटसाइड जो स्पेस है वहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ यहाँ कहीं पर भी आप लीजिए। चलिए यहाँ पर हमने कहा एक और पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू लाइज आउटसाइड दिस टोराइड, ठीक है। एक पॉइंट इसके ऊपर हो सकता है, इंटीरियर इनसाइड ऑफ दिस टोराइड, क्योंकि सर्कुलर है, सर्कुलर रिंग जैसा है, तो इसके ऊपर यानी इनसाइड उसको कहते हैं, इनसाइड टोराइड से पॉइंट पी क्यू आर से पॉइंट आर, तो हम यहाँ सपोज करते हैं यहाँ पॉइंट आर है, तो हम हमें तीन पॉइंट्स पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, एंड वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट थ्री पॉइंट्स। एक पॉइंट होगा इसके इस फ्री स्पेस में, ठीक है, एक पॉइंट इसके इंटीरियर में, इनसाइड में जो इसके ऊपर होगा, टोराइड के ऊपर अंदर जो हमारी ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के अंदर, ठीक है, अंदर वाले पोर्शन में, और एक हुआ बाहर, एक हुआ इसके ऊपर, ठीक है, अंदर जो फ्री स्पेस है, ठीक है, और एक इसके इनसाइड यानी इसके ऊपर, और एक आउटसाइड बाहर, ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढेंगे बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, तो हमें वहाँ पर एक सर्कुलर लूप होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एम्पियर सर्कुलर लूप। सो वी फर्स्ट ट्राई टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एम्पियर सर्किट लॉ हमें क्या कह रहा है, अगर हमें किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना हो तो वहाँ पर हमें एम्पियर लूप बनाना हो, तो हम सबसे पहले पॉइंट पी पे एम्पियर लूप बनाएंगे, यानी इस तरह सर्कुलर लूप, एक सर्कल जैसा, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस एम्पियरन लूप, इसको एम्पियरन लूप कहते हैं। तो हम देखेंगे ज़रा इस लूप के अंदर, ये जो एम्पियरन लूप बन गया, यहाँ पर कोई करंट है नहीं, यहाँ पर तो कोई करंट नहीं, क्योंकि करंट यहाँ चल रहा है इस रिंग के ऊपर, ठीक है, इस रिंग के ऊपर करंट चल रहा है। अगर ये ऐसा सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड है तो जब हम इस पर वायर वाउंड करेंगे तो वो इसके ऊपर रहेगी, ठीक है, इसके अंदर जो है, अंदर वाला पोर्शन जो है ये, यानी इस गोल के, इस सर्कुलर लूप के अंदर, एम्पियर लूप के अंदर कोई करंट हमें नहीं लग रहा है, नज़र नहीं आ रहा है। तो जब इसमें कोई करंट नहीं होगा, इफ देयर इज नो करंट इनसाइड दिस लूप, तो वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा, यानी देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस लूप इज ज़ीरो। तो ये लूप यहाँ पर भी बन सकता है, कहीं पर भी हम पॉइंट लेंगे तो उसमें कहीं पर भी हमें
करंट नहीं लगेगा। इसके साथ भी आप ले सकते हो, इस सर्कुलर लूप के साथ ही एक और लूप बना सकते हैं एम्पियर लूप। तो हम देख रहे हैं यहाँ जो ये फ्री स्पेस है, यहाँ कहीं पर भी करंट नहीं है। जब करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, नंबर वन हमारा है पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, तो वो क्या है, जीरो। देयरफॉर बी डॉट डी एल क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज जीरो बिकॉज देयर इज नो करंट इन दिस लूप, ठीक है, इन साइड दिस लूप। तो यहाँ पर अब पॉइंट पी पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जीरो। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे इट बिकम्स बी एल, सो बी एल इज इक्वल टू जीरो। हाँ, तो एल तो जीरो नहीं हो सकता है बिकॉज एल इज द लेंथ, लेंथ तो कुछ ना कुछ होगी, दैट इज द सर्कमफ्रेंस। तो इसका वैल्यू है टू पाई आर, तो टू पाई आर तो जीरो है नहीं, उसका कुछ वैल्यू तो है, कम से कम टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर पाई का वैल्यू इंटू और भी कुछ होगा। तो ये एल जीरो नहीं हो सकता है, विच इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू जीरो। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज जीरो। तो इतना तो क्लियर हुआ, यानी इस पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ठीक है। अब पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। तो आउटसाइड इसकी डेफिनेशन यही है, द मैग्नेटिक फील्ड इन द फ्री स्पेस एंड आउटसाइड द टोराइड इज जीरो। तो यहां पर भी जीरो होगा क्योंकि वहां पर भी कोई करंट नहीं है। अब जरा आप देखिए, अभी हमने कहा जब भी हमें किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना हो तो हम वहाँ पर एक सर्कुलर लूप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पेरियन लूप। तो बनाया हमने एक सर्कुलर लूप, उस पे ये पॉइंट क्यू है। तो उसके अंदर देखेंगे, जब हमने ये पॉइंट बनाया था तो इसके अंदर हमने देखा था तो कोई करंट नहीं आया था, मगर इसके अंदर ये पूरा टोराइड आया, तो इस टोराइड में तो करंट चल रही है, अभी हमने देखा करंट चल रही है, ठीक है। तो लेकिन क्या हो रहा है, जब हम इस को इस कॉइल को वाउंड कर रहे हैं, इस कंडक्टर को वाउंड कर रहे हैं किसी सर्कुलर इस पे, सर्कुलर कार्डबोर्ड पे, ठीक है, तो ये जो करंट है ये यहां से अंदर जा रहा है। तो अंदर के लिए हम क्रॉस, जब इनवर्ड्स करंट होगा उसके लिए सिंबल है गोल में इस तरह क्रॉस रखते हैं, जब करंट बाहर आ रहा हो तो उसके लिए गोल में एक डॉट डालते हैं। तो हम देख रहे हैं यहां से करंट तो अंदर जा रहा है, तो यहां पर हम क्रॉस डालते हैं, करंट अंदर जा रहा है, मगर यहां से करंट बाहर आ रहा है, इसमें डॉट डालेंगे। इसी तरह यहां से करंट अंदर जा रहा है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, तो हर जगह यही देख रहे हैं हम, हर एक पॉइंट पे, हर एक टर्न पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है। तो अगर हम इस टर्न में देखेंगे जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही करंट बाहर आ रहा है, सो टोटल करंट इन दिस टर्न इज जीरो। इस तरह इस करंट इस टर्न पे भी जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही करंट बाहर आ रहा है, तो इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, यानी हर एक पॉइंट पे आपको, हर एक टर्न पे आपको करंट जीरो निकलेगा, क्योंकि जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है। सो क्रॉस क्रॉस गोल में क्रॉस, इट इंडिकेट्स, इट शोज, इट इज द सिंबल फॉर इनवर्ड करंट, और डॉट जो होता है डॉट द सिंबल फॉर करंट आउटवर्ड करंट, यानी करंट जब बाहर आ रहा है। तो हर एक पॉइंट पे हम देख रहे हैं, हर एक टर्न पे हम देख रहे हैं जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही करंट बाहर आ रहा है। सो टोटल करंट इन साइड दिस लूप, जिस पे हमें क्यू है, ये जो हमने एम्पियर लूप बनाया, ये पॉइंट क्यू जिस पे है, तो उसके अंदर ये पूरा टोराइड आया था, मगर उसमें जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, ठीक है, तो ये टोटल करंट इसमें जीरो है। तो इस लूप में भी है,
इस लूप में भी कोई करंट नहीं है, जब कोई करंट इस लूप के अंदर नहीं है तो फिर तो हम कहेंगे कि वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता है. इफ देयर इज नो करंट इनसाइड दिस लूप सो देयर फोर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस लूप इज जीरो. सो देयर फोर एट पॉइंट क्यू मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. दैट इज क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस लूप एट पॉइंट क्यू दैट इज इक्वल टू जीरो. दैट इज बी एल, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे बी एल इज इक्वल टू जीरो. जैसे अभी मैंने समझा है एल तो जीरो नहीं हो सकता है, एल इज द लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप, ये तो जीरो नहीं हो सकता है. विच इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू जीरो. तो अब हमने कहा कि वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड हमारा जीरो ही है. कहाँ पर? आउटसाइड जिस टोराइड, वहाँ पर हमने पॉइंट क्यू लिया था तो उस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने की कोशिश की, बहुत पे हमें जीरो आया. तो इस फ्री स्पेस में भी जब हमने कोई पॉइंट लिया पी तो वहाँ पर भी हमने देखा तो वहाँ पर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. तो अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो सकता है? तो पॉइंट आर पे हो सकता है. यह है पॉइंट आर हमारा. तो इसमें भी हम एक सर्कुलर लूप बनाएंगे एज पर एम्पियरन लॉ. तो जब हमने एक ये सर्कुलर लूप अब जो बनाया, ठीक है, अब जरा इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर करंट आ रहा है. हाँ, इसके अंदर तो ये सर्कुलर पोर्शन है तो इसमें करंट है, क्योंकि करंट इसमें हमने देखा क्रॉस क्रॉस, यानी इसमें करंट अंदर जा रहा है, यानी इसमें कुछ करंट है. जब हमने ये देखा था इस एम्पियरन लूप तो इसमें कोई करंट अंदर नहीं था. जब हमने ये देखा था हाँ इसमें करंट था, मगर इसमें ये दो सर्कुलर बाउंड्रीज थी, एक में करंट बाहर आ रहा था एक में अंदर जा रहा था. टोटल करंट हर टर्न में हमें जीरो लगा, जीरो बन रहा था. तो टोटल करंट इस लूप में फिर जीरो बना था. अब जब इस लूप की बात करेंगे पॉइंट और जहां पर है, जिस लूप में हमें पॉइंट और आया, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें करंट है ये वाला पोर्शन है. तो इस हर एक जगह करंट सिर्फ अंदर ही जा रहा है, इस लूप के अंदर जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा है. तो जब इसमें करंट अंदर जा रहा है यानी इसमें करंट है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है. तो अब हम इस पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे इस पोर्शन पे. सो देयर फॉर एट पॉइंट और पे जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, दैट इज द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, हाँ तो किसके बराबर होगा, ज़रा यहाँ पर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे. हाँ तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो बी डॉट डी एल इज ए डॉट बी इज ए मॉड बी कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा. सो बी डॉट डी एल का क्या होगा, बी डी एल कॉस थीटा. यानी अब हमें यहाँ एंगल ढूंढना है, वहाँ तो जीरो निकले थे, यहाँ तो जीरो नहीं है, यानी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ सकते हैं. इससे पहले भी एम्पियर सर्किट लॉ में हमने ये निकाला था, तो यहाँ पर भी ये निकालने की कोशिश करेंगे, मगर हम यहाँ देखेंगे एंगल क्या होगा. इससे पहले भी हमने ये डिस्कस किया है, जब हमारे को पास कोई सर्कुलर लूप होगा देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंट टू दैट सर्कुलर लूप. तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो टेंजेंट होगा. अब अगर हम इस लूप का ये हमारा लूप है, मान लीजिए ये हमारा लूप है, मैं यहाँ से अलग से बनाऊंगा एक जिसमें पॉइंट और है, इसके अंदर करंट है, ठीक है. तो इसका एक छोटा सा पोर्शन हम लेते हैं, सिर्फ डी एल हमने लिया, ठीक है, एलिमेंट्री लेंथ, उसी एक एलिमेंट्री लेंथ से हम निकालते हैं. तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी भी सर्कुलर लूप पे, इससे पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, दैट इज टेंजेंट टू दिस सर्कुलर लूप. तो उसकी डायरेक्शन, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इस डी एल की जो डायरेक्शन, ये सेम होती है, यानी दे आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर एंगल बिटवीन देम इज जीरो.
सो एंगल बिटवीन बी एंड डी एल इज जीरो, ठीक है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज टेंजेंट टू दिस सर्क्यूलर लूप, जिसका हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिस सर्कुलर लूप पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और कहीं पर भी हो सकता है। तो हम क्या लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट्री लेंथ लेते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पर, अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे, इट इज टेंजेंट टू दिस सर्क्यूलर लूप, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स है, जब उनकी इंटीग्रेशन करते हैं तो दैट इज इक्वल टू एल, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर लूप, दैट इज 2πr, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने क्या समझा, द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल इज जीरो, तो ये बन जाएगा बी डी एल cos 0, बट द वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1, वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1, तो ये बन जाएगा b, तो बाहर आ सकता है, तो इंटीग्रल के अंदर डी एल रहेगा, so integration of dl is l, but here l is the circumference, so it is 2 b into 2 pi r, b into 2 pi r, because l is the circumference of this circular loop. तो ये हमारी second equation बन गई, b dot dl, closed line integral b dot dl हमें निकला b into 2 pi r, और यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में हमें निकला था बी डॉट डी एल किसके बराबर, म्यू नॉट एन आई, कैपिटल एन आई। तो इन दो को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट लेफ्ट हैंड इक्वल है, सो राइट हैंड साइड आर इक्वल, सो बी इंटू टू पाई और इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है म्यू नॉट एन आई, तो हमें बी चाहिए, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाय टू पाई आर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरनाइड, ठीक है, बाई यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। मगर एन जब हमने यहाँ लिखा था, वॉट इज एन, एन इज एन स्मॉल एन टाइम्स टू पाई आर, तो यहाँ से एक और फार्मूला निकल सकता है, एक फार्मूला हमारा ये है, ये भी हम रख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड, ठीक है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर, या ये भी है बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू, जब एन का वैल्यू देंगे, कैपिटल एन का वैल्यू है एन इंटू टू पाई आर, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एन टू पाई आर इंटू आई, म्यू नॉट एन की जगह एन इंटू टू पाई आर इंटू आई डिवाइडेड बाई है टू पाई आर, तो ये टू पाई आर और टू पाई आर कैंसिल हो सकता है, so then b is equal to mu naught n i, ये एक और रिजल्ट है। और जब हमने सोलेनाइड पढ़ा था तो वहाँ पर भी हमें यही रिजल्ट आया था, so this is the magnetic field relation, this relation gives the magnetic field induction at the point inside the toroid, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।